आंध्र प्रदेश से कार में तस्करी कर दिल्ली ले जाया जा रहा 107 किलो गांजा क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस टीम ने पकड़ा। गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने जबलपुर हाईवे पर जाल बिछाकर कार की तलाशी ली। जांच करने पर माल बरामद हुआ। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में जहांगीरपुरी दिल्ली निवासी भूरा नन्ने मलिक और विकास कुमार जयप्रकाश सिंह का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि विशाखापट्टनम से कुछ लोग सफेद रंग की कार में गांजा तस्करी कर दिल्ली जा रहे हैं। आरोपी नागपुर के रास्ते जाने वाले हैं। खबर के आधार पर इंस्पेक्टर मनोज सिडाम के नेतृत्व में जबलपुर हाईवे आउटर रिंग रोड पर जाल बिछाया। कार का नंबर पुलिस को पहले ही मिल गया था। पुलिस ने संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। यहां सीट पर एक अलग मिला। पुलिस ने जब उसे खोला तो गांजे की बोरियां दिखाई दी। वजन करने पर 16,10,000 रुपए का 107 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपियों से मोबाइल और कार सहित कुल 20,21,000 रुपए का माल जब्त किया गया। दोनों को बताया गया था कि विशाखापट्टनम से एक कार लेकर आना है। ग्वालियर के पास उन्हें कोई फोन करने वाला था। गाड़ी उसके हाथ में सौंपकर वापस जहांगीरपुरी लौट जाना था। हालांकि आरोपियों की बात पर पुलिस को विश्वास नहीं है। इसके पहले भी बेलतरोड़ी पुलिस ने विशाखापट्टनम से दिल्ली जाने वाला गांजा पकड़ा था, लेकिन मामले की तह तक नहीं पहुँच पाई। न तो माल भेजने वाले का और न माल खरीदने वाले का कुछ पता चला। आम्हाला खबर मिळाली आमच्या कर्मचाऱ्यांना की जबलपूर हायवे मार्गाने काहीतरी एक वाहन पांढऱ्या रंगाचं वाहन DL 500 वाहन जात आहे आणि त्या वाहनामध्ये गांजेची वाहतूक होते अशी माहिती मिळाली। सदर माहितीबाबत आम्ही वरिष्ठांना कल्पना दिली आणि ती माहिती व्हेरीफाय करण्याकरता आम्ही पंच आणि आमचं जे स्टाफ आहे आणि साहित्य आहे ते असं आम्ही हायवेला रवाना झालो। हायवेला जो पार्डी नाक्याच्या पुढे जो कापसाचा ब्रिज आहे त्याच्यापूर्वी ते ॲल्युमिनियमचं कुठलं तरी स्टोअर आहे हे आहे दुकान आहे त्याच्या बाजूला ट्रॅप लावला आणि येणारी वाहनं चेक केली। त्या दरम्यान जे आम्हाला खबर होती त्याप्रमाणे DL क्रमांकाचं वाहन त्या ठिकाणी पास होताना आढळून आलं। तर त्याला थांबवलं तर त्याने गाडी थांबवली आणि बाजूला घेतली आणि गाडीच्या जे ड्रायव्हर आहे आणि सोबत जिसमाने विचारपूस केली की गाडीमध्ये गांजा वगैरे आहे का। त्याने म्हटलं साहेब गाडीत गांजा वगैरे नाही, तुम्ही गाडी तलाशी घेऊ शकता। त्याप्रमाणे मग तलाशी घेतली गाडीची आणि तेव्हा आढळलं की बॅक सीटच्या साईडच्या मागे एक त्याने कप्पा तयार केला होता स्पेशली आणि त्या कप्प्यामध्ये तो गांजा आढळून होता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी BCN News नागपुर।